नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का जो नमस्कार है अपने विशाल सर के अंदाज में आपको मैंने किया है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हाईटेक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की घोषणा की गई 2000 से ज़्यादा पोस्टों पे, तब से आपके इतने कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की क्लास, कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, क्या ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, आप क्या फ़ीस कितनी रखने वाले हैं, पूरा कोर्स करवाइएगा या नहीं करवाइएगा, क्या मैम हम वहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब हजारों कॉल्स और मैसेज आप कह सकते हैं आपने यूट्यूब पे डाले हैं, पर्सनल डाले हैं, ग्रुप में डाले हैं। भी वीडियो में आपको ये जो वीडियो में बताने वाली हूँ सारी डिटेल बताने वाली हूँ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में ही, कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो अपनी पोस्टें हैं जो अभी आने वाली हैं वैकेंसी, उसके लिए बिल्कुल हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, बल्कि कर दिया मान लो आप ऐसा, तो जो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है उसके लिए जो है आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। हाईटेक क्लासेस वो आपको कंप्लीट कोर्स प्रदान करेगा, किसकी, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की। ये एग्ज़ाम जो है आपका फर्स्ट टाइम ही होने जा रहा है, लास्ट टाइम जो था एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट जो है मार्क्स बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भरे गए थे, पर इस बार जो है ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसलिए आपके मन में हजारों क्वेश्चंस हैं कि इसके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या ओनली बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं या फिर बीएससी हॉर्टी या फिर अलाइड सब्जेक्ट वाले भी इसमें शामिल हैं, तो ये सभी शामिल हो सकते हैं। जब तक कोई कंफर्म नहीं है, सूचना नहीं कह सकते, पर ऐसी संभावना है कि इसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी वाले, डेयरी वाले और भी मतलब कि जो कोर्स है अलाइड कोर्स जिसको कह सकते हैं, वो इसमें क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे खुशी की बात है कि आपके जो है बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है उसके लिए हम कोर्स बिल्कुल ला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमने आपके साथ जो है बीएचओ की भी क्लासेस करवाई है, बीएओ बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का, बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, और आपका काफ़ी सहयोग रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा भी रहेगा रिजल्ट। तो जो आपके डाउट हैं आज मैं सारे क्लियर करने वाली हूँ। तो पहला ही डाउट कि हाँ हाईटेक क्लासेस भी शुरू करने जा रहा है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बैच, इस बार आपके भारी डिमांड पे ना सिर्फ ओनली ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इस जो स्लाइड में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ कि इस बार जो आपके ये बैच स्टार्ट होंगे ये आपके ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, किसके साथ साथ, ऑनलाइन बैच के साथ साथ। तो ये स्टार्ट कब हो रहे हैं मैम, बहुत सारा क्वेश्चंस थे आपके, तो आपके ये 1 सितंबर से 2024 मतलब कि यहाँ से आपके 1 सितंबर 2024 आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कोई अगर ऑफलाइन तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि हम ऑफलाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपके बिहार के यूपी के भी बच्चे हैं जो बाकी कोर्सेज में भी हमारे यहाँ ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑफलाइन की फ़ीस डिटेल है कि अगर आप जो है एक बार में पेमेंट करते हैं तो 13,999 रुपये हैं, और अगर आप इसी को इंस्टॉलमेशन में पे करते हैं तो आपको कितना है, 15,999 रुपये है। ये ऑफलाइन की फ़ीस है, मैंने आपको ऑफलाइन की फ़ीस बताई है। अपने पास हॉस्टल की भी सुविधा, बिल्कुल सही बात है, अगर आप यहाँ तैयारी करते हैं तो आपके यहाँ आपके लिए बेहतरीन हॉस्टल सुविधा है, खाने की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। और आपको कॉन्टैक्ट किस नंबर पे करना है हॉस्टल के रिगार्डिंग जो है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, आप इन नंबरों पे जो है कर सकते हैं, इस नंबर पे या फिर आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स कि जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्सेज स्टार्ट होंगे, कब स्टार्ट होंगे ये आपको मैंने बता दिया, फीस कितनी है ये बता दिया। अब जो आपके सामने बोर्ड पे है ये रहा है अपना बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में सेलेक्ट हुए, मतलब जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, ये उन बच्चों का रिजल्ट है कि बिहार एग्रीकल्चर में इनको, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने आपको रिजल्ट में भी बताया था, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन जिसमें हुआ है बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में इंटरव्यू के लिए इनको कॉल किया गया है। ये अपना रिजल्ट रहा है, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है अपना बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर में, और बीएचओ में भी आपने हमारा साथ दिया, हमने आपका साथ दिया बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में भी, और उसके भी रिजल्ट उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आपका सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है, आपका सफ़र अभी बाकी है। जैसा कि अपने बीएओ में अच्छा किया, बीएचओ में भी अच्छा किया, और ये आपको पता ही होगा कि ये क्या है, बीसीसी टॉपर है, बिहार की जो बीसीसी बिहार एग्रीकल्चर जो अब एग्ज़ाम होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए, मतलब कि आपको एंट्री मिलेगी ग्रेजुएट करने के लिए, आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो आशिका राज है ये बिहार की लड़की है और टॉप भी इसने किया है, जनरल रैंक फर्स्ट आई है इसकी,
कैटेगरी में अगर गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो भी इसकी रैंक क्या है, फर्स्ट है, और अगर ओबीसी की बात करें तो भी इसकी रैंक फर्स्ट है। मतलब कि बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है एग्रीकल्चर में बिहार के, जैसा कि आपको पता होगा। और ये है अपने सत्यम कुमार, सत्यम कुमार का भी जनरल रैंक आपका कितना रहा है, 17 रहा है, कैटेगरी रैंक इनके 7 रहे हैं, यहाँ पे है मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी शानदार रिजल्ट कह सकते हैं कि अपना हाईटेक क्लासेस ने दिया है बिहार के एग्रीकल्चर के एग्जाम से रिलेटेड। तो आप भी तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो या किसी भी माध्यम से हो, तो यहाँ पे बिल्कुल कोर्स जो आपको कंप्लीट मिलने वाला है उसके साथ साथ हम आपको क्या करवाएंगे, तो आपके जो यूट्यूब पे क्वेश्चन सेशन लाइव होगा, ठीक है, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी, अगर क्लासेस लगाई जाएगी तो वो आपके एप्लीकेशन पे लगाई जाएगी, और जो आपके यूट्यूब पे होंगे वो आपके टेस्ट सीरीज की तरह ही मान लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी पूरी, जिसमें आपका अगर सिलेबस ये रहा तो हिंदी, जीके, उसमें करंट अफेयर्स भी है, पेपर वन एग्रीकल्चर और पेपर टू एग्रीकल्चर भी रहेंगे, या कुछ एडिशंस अगर किए जाते हैं तो उसको भी हम करवाएंगे, करवाया जाएगा। मतलब कि आपके साथ कंप्लीट अपने बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के एग्ज़ाम तक आपके साथ हम रहने वाले हैं। तो आप क्या कहा? उसके बाद लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम के टाइम है तो उससे कुछ दिन पहले, जैसा कि अपने बीओ में कराया था, बीएचओ में कराया था, यूट्यूब पे आपके क्या है मैराथन क्लास जो है करवाई जाएगी। तो अगर आप इसी से संबंधित किसी तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहते हैं तो सबसे पहले आप हाईटेक क्लासेस वो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हाईटेक क्लासेस के टेलीग्राम और इंस्टा पे भी आप रेगुलर विजिट करते रहिए, वहाँ भी हम सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और बाकी आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपको हम बहुत जल्द ही वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल ये जो आपके था कि कोर्स से संबंधित बहुत लोगों को थी कि मैम क्लासेस स्टार्ट होंगी, बिल्कुल स्टार्ट होंगी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी है, बाकी जैसे कुछ भी नोटिफिकेशन आते हैं आप तक मैं ज़रूर पहुँचूंगी नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।